गुड मॉर्निंग। आज हम बेटा विशेषण नामक हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी विशेषण क्या होता है मैम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा। अब संज्ञा और सर्वनाम के बाद हम विशेषण की ओर बढ़ेंगे, ओके। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, ठीक है, कि उसमें क्या विशेषता है, उनमें क्या अच्छी बात है, वो बताना भी विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कुछ भी है, जैसे मेरे हाथ में चौक है, ठीक है। चौक कैसी है, अगर लंबी है, छोटी है, पतली है, मोटी है, कुछ भी हो, कोई इंसान मोटा है, पतला है, लंबा है, संख्या बताना, माप तोल बताना, या फिर सार्वनामिक जैसे गुण बताना, जैसे उसका, हमारा, ये सारी चीज़ें विशेषण में आती है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है जो हम पढ़ेंगे। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण होते हैं चार प्रकार के, ठीक है। विशेषण कौन कौन से होते हैं, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक एंड फोर सार्वनामिक विशेषण। इन सब के आगे अब ये मैम ने आपको क्यों बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लास में आते जाओगे ना, तो आपको विशेषण सीधे नहीं लिखना होगा। जब भी सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको अंडरलाइन वर्ड पे उसके भेद का नाम बताना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं, देखो, जैसे गुणवाचक विशेषण, गुण मीन्स किसी की क्वालिटी बताना कि इंसान कैसा है, कोई भी चीज़ है, इंसान है, प्राणी है, मनुष्य कोई भी है, वो किस तरह का है, उसके आप गुण बताना। गुण मतलब वो काला, गोरा, उसका रंग रूप भी हो सकता है, उसकी अवस्था भी हो सकती है, उसका आकार भी हो सकता है, मोटा पतला, ये सारी चीज़ें गुणवाचक विशेषण में आती है। मतलब जैसे फूल, गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है ना, तो सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ओके। फिर जैसे लाल है, ठीक है, तो टमाटर का रंग लाल होता है, तो लाल क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हुआ, है ना। और फिर जैसे हम बोले सब पीके सर को सब जानते हो ना, पीके सर बहुत लंबे हैं, तो लंबे क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गया ना, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर टू, संख्यावाचक। संख्या मीन्स उसकी गिनती बतानी कि वो कितने हैं, है ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक निश्चित संख्या होती है जिसमें आपको नंबर का पता होता है, और एक अनिश्चित संख्या होती है जिसमें आपको नंबर का पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक ऐसे इनडायरेक्टली कुछ संख्या बताता है, ठीक है। तो संख्यावाचक जैसे जैसे ध्रुव है, दूसरी मंजिल पर रहता है, तो दूसरी क्या है, दूसरी क्या हुआ, संख्या हुई, तो संख्यावाचक विशेषण हुआ। और कौन सी हुई, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि हमको उसमें फिक्स संख्या पता है, ठीक है। अब है जैसे कि सोहम है, ठीक, सोहम दो रोटी खाता है, तो दो क्या हुआ बेटा, संख्या, निश्चित संख्यावाचक, ओके। मेरे पास चार पेन है, चार, तो चार क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक। अब इसकी अनिश्चित संख्या पर करेंगे, ठीक है। तो कल मेले में कई लोग थे, ओके, तो कितने लोग थे, एक थे, दो थे, चार थे, दस थे, पंद्रह, बीस, हमें कुछ पता नहीं है, कई लोग थे, मतलब वो अनिश्चित संख्यावाचक है, क्लियर। और ऐसी तरह से कुछ का भी हम बना सकते हैं, ओके। तो निश्चित संख्या दो प्रकार का हुआ, निश्चित जिसमें आपको संख्या का पता हो तो निश्चित, नहीं पता हो तो अनिश्चित। अब हम नंबर थ्री की ओर बढ़ेंगे, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के अंदर माप तोल, 5 लीटर, लीटर, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो माप तोल में हम किसी को बोले, जैसे देखो कि हम मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, इसमें भी दो चीज़ होती है, निश्चित भी परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित भी होता है। मैं बोलूँ मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये फिक्स है, इसीलिए निश्चित परिमाणवाचक हुआ। अब उसके आगे मैम ने बोला कि मुझे कुछ या मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा क्या है, अनिश्चित परिमाण।
लेकिन मुझे थोड़ी चीनी दे दो, ये अनिश्चित परिमाण वचन है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? अब नंबर फोर और लास्ट सार्वनामिक विशेषण, चौथा जिसके नाम से ही स्पष्ट होता है। सार्वनामिक मीन्स सर्वनाम, जिसमें सर्वनाम वाले शब्दों का यूज होता है, उपयोग होता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब सर्वनाम अगर हमको अच्छे से पता है तो हमको ये वाला विशेषण भी ढंग से आ जाएगा समझ में, है ना। तो सर्वनाम में जैसे उसका है, वह है, मेरी है, कोई है, हम है, उसे, ऐसे सारे शब्दों को हम यूज करते हैं ना। तो जिस वाक्य के अंदर सर्वनाम वाले शब्द आए वो सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे उसका घर कहाँ है, ठीक है, कि और वह मेरा भाई है, ठीक है, आप कल कब आए थे या आप कहाँ जा रहे हो, है ना, माँ मैं खेलने जाऊँ, तो मैं क्या है, सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम वाले सभी शब्दों के वाक्य सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया विशेषण किसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ये चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, क्वालिटी बताना, काला है, गोरा है, लंबा है, पतला है, ये सब। संख्यावाचक विशेषण नंबर टू, मतलब संख्या गिनती बताना। नंबर थ्री परिमाणवाचक, मतलब उसका माप तोल क्या है, वो कितने लीटर है या कितने किलो है, वो सब बताना। और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण, कि सर्वनाम से भरे हुए जो सर्वनाम वाले शब्द होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके, तो हमारा विशेषण का टॉपिक अब यही समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए है इतना ही। थैंक यू।